सो हाय गाइस, फाइनली एंड फाइनली और एक बार फाइनली अपना पिंग डेवन स्टोर हो चुका है पूरा 100% कन्फर्म। यानी कि भाई किस थीम पे पिंग डेवन स्टोर को गेम के अंदर दिया जाएगा, उसका डेट क्या होगा और इस बार कौन कौन से आइटम सबको पिंग डेवन के अंदर मिलने वाले हैं, ये सारे के सारे अपडेट्स मैं एक वीडियो के अंदर आज देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। एंड हाँ गाइस, आज के इस वीडियो को और ज्यादा बेहतर और खास बनाने के लिए हम बात करने वाले हैं अपने जॉम्बी समरी बंडल के बारे में, क्योंकि देखो यार इसके ऊपर मेरे पास बहुत से रिकमेंड आते हैं कि सनी भाई जॉम्बी समरी बंडल गेम के अंदर कब तक बैक आएगा। टेंशन ना करो, आज मैं ये अपडेट भी कवर कर दूंगा। और तो और साथ ही में बात कर लेंगे अपने न्यू फिस्ट स्किन के बारे में, जो की एनिवर्सरी इवेंट के चलते आने वाला था लेकिन बहुत सारे इवेंट गेम के अंदर आ गया, तो भाई गर्नावल ने फिस्ट स्किन को दिया नहीं था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। वैसे हाँ, सिर्फ ये दो अपडेट नहीं है बल्कि कुछ और भी कमाल के अपडेट्स मैं आज के इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ, जो कि आप सबको वीडियो के अंदर आगे पता चलेगा, तो बस इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले गेम के अंदर एक न्यू फिस्ट स्किन के बारे में, जिसका रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। हालांकि ये रैम्पेज का नहीं है भाई, ये निकल कर आ गया था अपने एनिवर्सरी इवेंट के चलते, लेकिन गर्नावल ने तब के टाइम पे इस वाले फिस्ट स्किन को गेम के अंदर दिया नहीं था। और अभी एक बहुत बड़ा सवाल है कि गर्नावल इस वाले फिस्ट स्किन को कब तक अपने गेम के अंदर देंगे। मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि सनी भाई न्यू फिस्ट स्किन कब आएगा, कौन से इवेंट के अंदर आएगा, तो भाई इसलिए मैं आज इस वाले अपडेट को कवर कर दिया। देखो असल में इसको दिया गया है अपने रिंग इवेंट के अंदर कुछ सर्वर में, लेकिन जितना मुझे लगता है अगर घरना वाले सिर्फ एक फिस्ट स्किन देंगे तो भाई उसके लिए हमको रिंग इवेंट तो नहीं दे सकता, फिर आप लोग को मिलने वाले है अपने फेडर व्हील के अंदर। लेकिन ये भी एक बात है कि भाई इस फिस्ट स्किन के साथ में कुछ और भी आइटम्स को डिजाइन किया गया है, सब कुछ है अपने यूनिकॉर्न के थीम पे। आप लोगों को मैंने इसके पहले भी यूनिकॉर्न के थीम पे एक बंडल था और भी कुछ आइटम्स का आप लोगों को मैं इसके पहले रिव्यू कर रहा था, इसलिए भाई आज भी उन आइटम्स का रिव्यू नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोग यहां देख पा रहे हो भाई कुछ फिस्ट स्किन को, मतलब सॉरी कुछ सर्वर के अंदर फिस्ट स्किन को दिया गया है फेडर व्हील के अंदर, तो मैं इसलिए पहले ही कंफर्म कर दिया अगर गर्ना वाले हमको देते हैं अपने फेडर व्हील में तो सिर्फ एक फिस्ट स्किन आएगा, और अगर गर्ना वाले फिस्ट स्किन को रिंग इवेंट के अंदर देते हैं फिर आप लोग समझ लेना यूनिकॉर्न के थीम पे जो बाकी का आइटम डिजाइन किया गया था बंडल गुलवाल गन स्किन वगैरह वो सब भी एक साथ में गेम के अंदर आ जाएगा। बाकी फिलहाल आओ गाइस कुछ सेकंड के लिए हम यहां पर बात कर लेते हैं अपने इवो वॉल्ट इवेंट के बारे में। देखो गर्ना वालों ने गेम के अंदर इवो वॉल्ट इवेंट अवेलेबल करा दिया है, लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे इसके अंदर हमको जो स्किन देखने को मिला है वो चार है, पहले की तरह इवेंट बिल्कुल सेम है, इवेंट का इंटरफेस भी बिल्कुल सेम है। आपको देखने को मिलता है इवोल्यूशन XM8, इवोल्यूशन UMP और साथ में इवोल्यूशन MP5 एंड इवोल्यूशन M4A1। और गाइस देखो यहां पर मेरा बस दो सवाल है, पहली बात ये सवाल शायद आप लोगों को भी होगा, तो भाई देखो गर्ना वालों ने इवो वॉल्ट भले ही अपने गेम के अंदर अवेलेबल कराया हो, लेकिन जो गन स्किन हमें चाहिए वो गन स्किन इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर हमको देखने को नहीं मिला था, नहीं था नहीं बल्कि देखने को नहीं मिला है, क्योंकि भाई देखो गेम के अंदर जो इवो वॉल्ट इवेंट दिया गया था उसमें आना चाहिए था अपना इवोल्यूशन M10 जो ओल्ड वाला था उसको देना चाहिए था, एंड साथ में ड्रैको एके भी आना चाहिए था और इवोल्यूशन M1007 भी आना चाहिए था अपने इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि भाई इन तीनों में एक भी गन स्किन को गर्ना वालों ने इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर नहीं दिया है, तो अब सवाल आता है कि भाई वो गन स्किन कब तक अपने गेम के अंदर आएंगे, एंड भाई इस बार का जो दिया इवोल्यूशन वॉल्ट इवेंट है उसके बाद बात करके अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जो गन स्किन दिया गया है शायद 20% प्लेयर बल्कि उससे भी कम प्लेयर को वो गन स्किन की जरूरत है, तो बहुत से प्लेयर उसके अंदर शायद स्पिन नहीं करने वाले हैं, एंड भाई इसलिए उसको हटा के हम यहां पर यह बात कर लेते हैं कि इवो M10 गेम के अंदर क्यों नहीं आया ओल्ड वाला, और बाकी के इवोल्यूशन गन कब तक आएगा, यानी कि ड्रैको के एंड इवोल्यूशन M1007। गाइस देखो जबकि इवोल्यूशन वॉल्ट इवेंट गेम के अंदर आज आया है तो भाई फिलहाल आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड जितना मुझे लगता है कि भाई इवोल्यूशन M10 हो ड्रैको के हो चाहे या फिर अपना इवोल्यूशन M1007 हो शायद इन लोगों को एक एक करके यानी कि सिंगल सिंगल गेम के अंदर अवेलेबल कराया जाएगा। एंड गाइस ये गन स्किन अगर हमको सिंगल सिंगल एक एक करके गेम के अंदर बैक देखने को मिलता है फिर हम लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि भाई तब हम लोग को ये देखने को मिलने वाले हैं फेडर व्हील के अंदर जिनमें कि भाई ऑलमोस्ट आप लोग 1000 डायमंड के अंदर बड़े आराम से गन स्किन को बाई कर सकते हो, जो कि भाई इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर गन स्किन आप लोग खुद से चूज नहीं कर पाओगे, जो गन स्किन गर्ना वाले देंगे वही आपको लेना पड़ेगा, एंड भाई तकरीबन 2000-3000 तक डायमंड खर्च करने के बाद आपको अपना फेवरेट गन स्किन मिलेगा। वैसे गाइस देखो अगर आगे जाके अपने ओल्ड इवोल्यूशन M10 हो चाहे अपना ड्रैको एक हो या फिर इवोल्यूशन M1007 हो, अगर इनके ऊपर मेरे पास कुछ अपडेट निकल कर आता है कि भाई ये किस इवेंट के अंदर आने वाले, चांसेस तो भाई ये कि आप लोग को शायद फेडरल रूल के अंदर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर डेट वगैरह कुछ कंफर्मेशन मिलता है देन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने जॉम्बी समरी बंडल के बारे में कि गाइस कब तक आप लोगों को अपने गेम के अंदर जॉम्बी समरी बंडल देखने को मिलने वाले हैं, एंड इसके अंदर जो आइटम्स वगैरह दिया जाएगा वो क्या कुछ होंगे। तो भाई देखो जितना मुझे लगता है जॉम्बी समरी बंडल शायद करने वाले अभी के टाइम पे गेम के अंदर अवेलेबल नहीं कराएंगे, क्योंकि फिलहाल रैम्पेज इवेंट और अपने मतलब जो हैलोवीन इवेंट है दोनों को मिक्स करके कुछ न्यू इवेंट गेम के अंदर लाया गया है। आप लोग रैम्पेज कह सकते हो लेकिन हैलोवीन का भी एक दो आइटम्स अभी दिया जाएगा और कुछ टाइम बाद यानी कि आगे जाकर दोबारा फिर से हैलोवीन का
इवेंट गेम के अंदर आएगा। और हेलोवीन के थीम पे बाकी कुछ आइटम्स उस टाइम पे भी गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड्स भी आप लोगों को मिलेंगे। फिलहाल भाई सिर्फ रैंपेज का फ्री का रिवॉर्ड्स दिया जाएगा गेम के अंदर, लेकिन कुछ दिन बाद अपना हेलोवीन का इवेंट आएगा। और भाई देखो, जबकि गेम के अंदर फिलहाल इतने सारे आइटम्स आ रहा है, तो भाई इसके बीच में गरना वाले अपने जॉम्बी समरी बंडल को तो अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि यार हम लोग किसमें स्पिन करेंगे बताओ। तो इसलिए कुछ इतने सारे भाई लोग अपने जॉम्बी समरी बंडल के लिए इंतजार कर रहे हो। आपको बता दूं अभी के टाइम पे जॉम्बी समरी नहीं आने वाला है, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर आगे जाकर जॉम्बी समरी बंडल गेम के अंदर हमको देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, शायद आएगा एक वेब इवेंट के अंदर, क्योंकि रिंग इवेंट के अंदर देने के लिए कुछ और भी आइटम्स चाहिए, जिस वजह से भाई जॉम्बी समरी बंडल आप लोग को एक वेब इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी फिलहाल आओ गाइस अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के बारे में कि गरना वाले कब तक अपने गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर को देने वाले हैं, और एनिवर्सरी इवेंट के चलते पिंक डायमंड स्टोर को क्यों नहीं दिया गया। तो सबसे पहली बात भाई देखो, एनिवर्सरी इवेंट को इस बार अगस्त मंथ में सेलिब्रेट किया ही नहीं गया है, क्योंकि आपको बता दूं एनिवर्सरी इवेंट का जो मेन पीक डे है वो होता है 28 अगस्त के दिन, जबकि इस बार भाई एनिवर्सरी इवेंट को पहले ही सेलिब्रेट करके जुलाई मंथ में ही उसको खत्म कर दिया गया है। और जब एनिवर्सरी इवेंट अपने मेन टाइम पे आया ही नहीं है, मतलब मेन डेट पे आया ही नहीं है, तो गरना वाले इसलिए भाई एनिवर्सरी के चलते बहुत सारे इवेंट को गेम के अंदर नहीं दिया है। जैसे कि पिछले बार हम लोग को अपना इवोल्यूशन A107 देखने को मिला था, वो आया नहीं था। इसके अलावा भाई पिंक डायमंड स्टोर आया था, वो भी गरना वालों ने नहीं दिया था। और गाइस देखो, आप लोग तो जानते हो अभी से अपने गेम के अंदर पूरा रैंपेज का इवेंट स्टार्ट हो गया है, और ये जो रैंपेज का इवेंट गाइस फिलहाल गेम के अंदर चल रहा है ये तकरीबन भाई सितंबर मंथ के 5 तारीख तक चलने वाले हैं, जिसलिए भाई इस बीच में गरना वाले पिंक डायमंड स्टोर को तो गेम के अंदर अवेलेबल नहीं करा सकते। लेकिन भाई ऐसा होने का चांसेस बढ़ जाता है कि भाई आप लोग को शायद सितंबर मंथ पे जाके अपने गेम के अंदर रैंपेज इवेंट जैसे एंड हो जाएगा, तो भाई उसके बाद दोबारा गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो कुछ भी कंफर्म नहीं है। गरना वाले अगर चाहेंगे तो बैक कराएंगे, क्योंकि सितंबर मंथ पे दो इवेंट है भाई, या तो बुइया डे का इवेंट आएगा या फिर डेमोन स्लेयर का कोलैबोरेशन इवेंट आएगा। और गरना वाले जिस भी इवेंट को बड़ा करना चाहेंगे उसके थीम पे पिंक डायमंड स्टोर को गेम के अंदर बैक दे दिया जाएगा, मगर हाँ रैंपेज में आने का चांस तो बहुत ही कम लगता है मुझे। लेकिन हाँ गाइस, को बुइया डे स्पेशल अपने गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके थीम पे काफी सारे रिवॉर्ड पिछले साल कंफर्म किया गया था। आप लोग यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स का रिव्यू देख पा रहे हो, जो कि भाई सब कुछ बुइया डे के थीम पे डिजाइन किया गया है, इसलिए भाई चांसेस यही बढ़ जाता है कि आप लोग को बुइया डे स्पेशल सितंबर मंथ पे गेम के अंदर दोबारा पिंक डायमंड स्टोर बैक देखने को मिलेंगे, तकरीबन 95% तक ये बात कंफर्म भी समझ सकते हो। अब यार फिलहाल मैं अपडेट ढूंढता हूँ उसके ऊपर, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एंड जैसे ही कुछ मिलता है कंफर्मेशन देन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी कंफर्म कर दूंगा। खैर आओ गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। फर्स्ट कमेंट था सनी भाई, रैंपेज फिस्ट स्किन कब आएगा एंड रेड नंबर डैमेज वापस कैसे आएगा। देखो इसका एक सिंपल सा जवाब यह है कि रैंपेज फिस्ट स्किन फिलहाल तो कुछ लीक्स नहीं मिला है, लेकिन रैंपेज इवेंट चल रहा है तो करना वाले दे सकते हैं, चांसेस बहुत है। और हाँ, रेड डैमेज को बैक करने के लिए मार्केट में जाओ, एक रेड कलर का डब्बा खरीद के लाओ और अपने पूरे मोबाइल के ऊपर लगा दो। इससे दो फायदे होंगे, पहली बात चाहे तुम बॉडी शॉट मारो या फिर हेड शॉट, सब कुछ आपको रेड ही दिखेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वैसे वो बात अलग है कि मोबाइल के अंदर क्या गेम प्ले चल रहा है वो बस वो आपको नहीं दिखेगा, तो जरा उसको संभाल लीजिएगा। जो अगला कमेंट था कि सनी भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ऑस्कर देना चाहिए, और देखो ये ख्याल मेरा दिमाग में आया था, ख्याल नहीं बल्कि पूरा सब कुछ तैयार हो गया था एकदम भाई, ऑस्कर रेडी था और मेरे हाथ में देने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरा सपना टूट गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर तो गाइस हम देखते हैं कि हमें ऑस्कर कब मिलता है। फिलहाल नेक्स्ट कमेंट हम देख लेते हैं, जो कि ये था कि सनी भाई आप इंग्लिश मत बोलो यार, एंड सनी भाई आप हर बार कमेंट देते हो लेकिन आपने मेरा कमेंट पिक नहीं किया। तो भाई साहब आज आपका कमेंट पिक हो गया है, एंड दूसरी बात भाई देखो यार ये डिपेंड आप लोगों पर करता है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा हंसी आए, इसलिए आई एम टेलिंग इंग्लिश ऑन माई वीडियो। एंड इम्पोर्टेंट बात गाइस, आर यू बेहोश बट इंग्लिश इज नॉट स्टॉपिंग ऑन आई एम बोलना बंद करिंग आई एम सॉरी बाबू। खैर अब अगला कमेंट देख लेते हैं, जो कि ये था इंग्लिश आई डोंट लाइक इट बट आई लाइक सनी बॉय इंग्लिश, भाई होना चाहिए था, डोंट जज सनी बॉय, अच्छा फिर से बॉय, बिकॉज सनी इंग्लिश सर इन फ्री फायर। एंड आगे ये भी था GF ऑन द वे टू नो टेंशन कीप सपना देखिंग, अरे मैं भी इंग्लिश सनी भाई की वजह से ही सीख पा रहा हूँ, तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस कोई टेंशन नहीं यार, आप बस सीखते रहो इंग्लिश। हाँ किसी के सामने इस इंग्लिश को इस्तेमाल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना बढ़िया लाजवाब इंग्लिश दूसरे को पता चले। सीक्रेट कोड वगैरह आपके पास और हमारे पास रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। खैर अब अगला कमेंट था कि घिसी पीटी शायरी गरना की लड़की बनेगी हमारी भाभी, लव यू भाई, आई एम न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम असम, तो लव यू टू मेरे भाई, सभी को लव यू टू। एंड भाई दिस इज, अगर कभी ऐसा होता है कि गरना का लड़की आप लोग का भाभी बनता है तो समझ लेना फिर डायमंड फ्री। खैर गाइस टुडे माय वीडियो इज यहीं पर एंडिंग, बिकॉज माई वीडियो इस बहुत लंबा, सो यू नो वीडियो इस लगातार दिन ब दिन फिल्म बनते जाएंगे, बिकॉज वीडियो 9 मिनट 10 मिनट बन जाएंगे, सो इसके लिए आई एम सॉरी। मिलते हैं हम कल फिर से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।